गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोज एंड क्रॉट्स। डेमोज मतलब पीपल एंड क्रॉट्स मीन पावर। सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। But this definition is not complete now because it is a form of government in which ruling power is vested in the hands of people. The government is the answerable to the people who can change it through constitution means. Democracy, आपने democracy वो government सुनी है जिसमें people चाहते हैं या वो elect करते हैं कि हम पर rule करें। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के में आपने इंडिया को सुना होगा कि 18 साल के बाद कोई भी यहाँ पे इलेक्शन कर सकता है, इलेक्शन के लिए लड़ सकता है। कंटेम्प्री वर्ल्ड में हर कोई डेमोक्रेसी ही चाहता है। इवन केयरफुली जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी हो या फिर वो डेमोक्रेसी टाइप की हो। वेरियस गवर्नमेंट इन विच फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द डिक्टेटर और किंग मींस हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैटेगराइज बाय द हिस्टोरिकल, फर्स्ट द डिक्टेटरशिप। आपने जब आप छोटे थे तो अपने पेरेंट्स से स्टोरी सुनते थे, देर वॉज़ ए किंग, देर वॉज़ ए प्रिंस एक्सेट्रा। तो वो क्या है? वो हमारे लिए एक मोनार्की का एग्जाम्पल है। मोनार्की एक काइंड ऑफ हेरिडिट्री रूलर। और सेकंड हम डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है? आप डिक्टेटरशिप में होता है लोग इलेक्ट नहीं करते, स्टेट का काफ़ी पार्ट पर लोग राज करते हैं, उसे डिक्टेटर कहा जाता है, जैसे अडॉल्फ हिटलर। थर्ड इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल मींस डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जिसमें पीपल एक प्रॉपर पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो हम पर रूल करे और जो देश को तरीके से चलाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेमोक्रेसी, सबसे पहले सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब जहाँ पे हमारा अधिकार हो, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड जस्टिस। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स जहाँ होती है वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपर वे में वर्क करती है। डेमोक्रेसी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार पार्ट्स हम लोग कंसिडर करेंगे और इसकी डेफिनेशन हम बाद में करते हैं। इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसिट। एंड इनडायरेक्ट आल्सो रेफर टू एज ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मींस वेयर द विल ऑफ द पीपल इज ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टली बाय द पीपल। लोगों द्वारा डायरेक्ट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है और वो फिर आगे हमारा शासन संभालता है, गवर्नमेंट संभालता है। एग्जांपल रेफरेंडम। रेफरेंडम एंड टाउन हॉल मीटिंग इन द न्यूजीलैंड, वहाँ ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पॉलिसी है। एंड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच इनडायरेक्टली इलेक्टेड by the people, like elected politicians acts on the behalf of the people
through a system of regular and periodic elections, which enable politicians to be removed from the office and made accountable. It is also called representative democracy. जैसे हमारे इंडिया में होता है, पहले हम लोग वोट करते हैं, वोटिंग एक पॉलिटिशियन को की जाती है, फिर उनमें से वोटिंग के बेस पर इलेक्शन जिसे आप कहते हो उसके बेस पे प्रॉपर इलेक्ट किया जाता है पर्सन. मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल. हम सबको पता है क्या क्या फ़ायदे हैं डेमोक्रेसी के. फर्स्ट डेफिनेशन से ही आ गया, इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, इक्वालिटी, लिबर्टी बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, नेशनल यूनिटी एंड पेट्रोटिज्म ऑल्सो. देशभक्त डेमोक्रेटिक में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है. डीमेरिट्स मीन्स कॉन प्रॉस एंड कॉन्स के अकॉर्डिंग डीमेरिट्स हमारे क्या बनते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट एंड इनकॉम्पिटेंट, लाइक क्वांटिटी को प्रेफर करके क्वालिटी को नहीं देखा जाता. वो ये देखती है कि जिस जो रिच है, जो एक्सपेंसिव है, वो इसको डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज डिक्टेटरशिप उन्हीं की होती है जिनकी मेजॉरिटी हो. और बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी में आता है, लाइक एसेंशियल कंडीशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी. देखिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है तभी सक्सेस हो सकती है जब नागरिक जो सिटीजन हैं वो अवेयर हों, एजुकेटेड हों, फंडामेंटल राइट्स पता हों, सोशल इकोनॉमिक क्वालिटी पता हो, प्रेस की फ्रीडम भी हो, टॉलरेशन पावर, इंडिपेंडेंसी, जुडिशियर एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न एक्सेट्रा. हम सेकंड बात डिक्टेटरशिप की करते हैं. मैंने पहले भी एग्जांपल दिया इसका, एडोल्फ हिटलर. डिक्टेटरशिप इज़ द रूल ऑफ वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल अवेयरनेस ऑफ एनी वन. मीन्स इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल फोर्स, आर्बिट्री रूल्स, एब्सोल्युटली फेथ इन वायलेंस, नो एनी राइट्स, कंट्रोल ओवर मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड tenure of the office of the dictator is not a fixed. Means जिसमे हम people किसी को elect ना करके state का काफ़ी part या वहाँ पर कोई right ना करके उस पर राज करता है, जैसे Adolf Hitler ने किया था. और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं. आप merits की तरफ जाएंगे तो देखिए इससे administration strong होता है, emergency यूज़फुल है, प्रोग्रेस भी है वहाँ की, क्योंकि पूरे पार्ट पे राज करना मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग ही हर नेशनल सॉलिडिटी को देखता है. एंड डीमेरिट्स हम ये कह सकते हैं कि डिस्पोटिक गवर्नमेंट, डिस्पोटिक मीन्स कुछ रूल्स हैं वहाँ, बट हमेशा डर बना रहता है कि गवर्नमेंट अब क्या करेगी, कौन सा टैक्स लगाएगी एक्सेट्रा. No importance to the individual, no individual liberty of the people. Problem is always success of dictator. War is natural. ऐसे dictatorship में war कभी भी हो सकता है. The last is the democracy arguments. The first we will discuss argument against the democracy. Means leaders keep changing in the democracy. होते रहते हैं चेंज, इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है. ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टी की बात, पावर प्ले की बात, कंपटीशन की बात, किसी भी तरह की मोरालिटी नहीं होती डेमोक्रेसी में. हमेशा करप्शन की भावना बनी रहती है क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी लड़ती झगड़ती रहती है. एंड फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट हम कर चुके हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. इट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन मेकिंग हमेशा कदम उठाती है.
डेमोक्रेटिक डिग्निटी ऑफ द सिटीजन को बढ़ाती है, करेक्ट मिस्टेक करने में मीन्स डेमोक्रेटी अलाउ करती है कि मिस्टेक्स हैं तो उसको सही किया जाए, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमेशा सिटीजन्स के द्वारा ही चुना जाता है। अब हम जस्ट एक झलक डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की डिफरेंस में देते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड इज दैट डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ वेयर इज डिक्टेटरशिप इज इम्पोज्ड फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप का मीनिंग समझ आ गया होगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं मैंने यहाँ पे लिख दी है, रेफेंड्रम, इंडिजीनियस, अकाउंटेबल एंड डेस्पोटिक। थैंक यू सो मच।